स्वागत है दोस्तों, आप सभी का रामआईएस चैनल पर। मेरा नेम है रेचा और आज हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, WHO। तो चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं WHO के लोगो की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये WHO का लोगो है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करी जाए तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये जब स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, तो उसी के रेफरेंस में हर साल मनाया जाता है। ये जो हम विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाते हैं या फिर जितने भी दिवस मनाते हैं, उनमें मनाने का रीज़न ये होता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो आने वाले लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें बताया जाए ताकि वो भी एक अच्छे क्षेत्र में कार्य कर सकें और अच्छे से वर्क कर सकें। WHO के प्राथमिक क्षेत्र देख लेते हैं जिसमें WHO ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, आगे आके वर्क किया है, वो है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, यानी गैर संचारी रोग, संचारी रोग, कॉरपोरेट सेवाएं और निगरानी और प्रतिक्रिया। जो एजेंसीज होती हैं उनमें WHO निगरानी करने का कार्य करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देता है। कभी सही प्रतिक्रियाएं भी आती हैं WHO की तरफ से और कभी गलत प्रतिक्रियाएं। यानी जिस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स वर्क करते हैं उनमें प्रतिक्रियाएँ देता है। गैर संचारी रोग का मतलब ये है कि जैसे कि जो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं जो छूने से नहीं फैलती। अब संचारी रोग वो हो गए जो एक दूसरे को छूने से फैलते हैं, या जैसे मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है, उसे सर्दी है और उसी के जस्ट सामने बी नाम का व्यक्ति बैठा है, तो उसने छींक दिया या फिर खांस दिया तो उससे बी को भी हो जाए, तो वो हो गए संचारी रोग। तो मुझे उम्मीद है संचारी और गैर संचारी आपको समझ में आया होगा, वैसे आपको पहले से पता होगा। WHO ये जो हम देख रहे हैं, WHO सभी एग्जाम्स के लिए, ये जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सभी एग्जाम, चाहे वो आपके SSC लेवल हो, UPSC लेवल हो, स्टेट PCS हो या फिर टीचर्स लेवल, किसी भी लेवल का आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जो इसके मेन पॉइंट्स हैं हमने इस वीडियो में उन्हें डिस्कस किया। WHO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट है और स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन रिपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अब WHO के बारे में हमने वर्ल्ड लेवल पे बातें की कि WHO ने क्या कार्य किया। आखिर अब बात करेंगे कि WHO का भारत में क्या रिलेशन है, भारत में उसने क्या क्या कार्य किए। तो अगर भारत की बात की जाए तो 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था भारत। WHO का क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें, एशिया में जो क्षेत्रीय कार्यालय की, वो दिल्ली में स्थित है, क्योंकि हर जो एक नेशनल जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और क्षेत्रीय कार्यालय भी WHO के बनाए जाते हैं। WHO के क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं पीपल्स को, जो यहाँ के लोग हैं, तो वो अपने वहीं पे जाके प्रॉब्लम्स को सुलझा सकें। WHO ने इंडिया में क्या क्या प्रयास किए हैं स्वास्थ्य संबंधी, क्या क्या प्रयास हैं, तो चेचक और पोलियो में अगर हम देखते हैं तो ये WHO का प्रयास रहे हैं। तो चेचक एंड पोलियो के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वरना जब हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ चलेगी तो उसमें हम इन बीमारियों के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। साथ ही में WHO के भारत में अन्य कार्य भी देख लेते हैं जो कि किए गए हैं। तो पहला WHO के प्रयासों में सबसे जो पहला प्रयास था 1980 में किया गया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन जो है WHO के द्वारा किया गया था, तो स्मॉल पॉक्स भी एक बीमारी है। साथ ही वे WHO में आपको 2-3 पॉइंट्स और याद रखना है कि इसके सदस्यों की बात करें तो टोटल 194 सदस्य देश हैं, जिसमें से राष्ट्रीय कार्यालय जो हैं वो 150 हैं और क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एशिया के अंतर्गत दिल्ली में जो है
क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ऐसे ही टोटल 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय 150 है। तो उनमें और कौन कौन से एक्स्ट्रा 5 जो बचे हुए हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हमसे इंडिया का ही पूछा जाएगा, और मेनली क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय या फिर सदस्य देश पूछ लिए जाते हैं, इकट्ठा नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में ये भी याद रखना है कि WHO के महानिदेशक के पद पर जो पहली महिला नियुक्त की गई, पहली नियुक्त भारतीय महिला जो है वो सौम्या स्वामीनाथन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त पहली भारतीय महिला कौन है, तो सौम्या स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, WHO से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।